नाग मणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ वह उसी रात यानी पूर्णिमा के दिन ही प्रयोग में ला सकती है। इन शक्तियों के सहारे एक नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं, तो अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटित हुआ सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान रतनलाल जी के साथ। परंतु रतनलाल करीब आज से पहले एक साधारण एवं गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रतन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नागिन भी। वो थोड़ा सा पहले तो डर गया और तुरंत वहाँ से जल्दी जल्दी निकल लिया, परंतु उस रात उसे वो चमकती चीज का बार बार ध्यान आ रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ के पास गया और कुछ दूरी से उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वह नागमणि चोरी करेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गाय का गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रतन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करता। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी चुपके से रतन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी जल्दी घर की तरफ निकला। परंतु उधर नागिन अभी मरी नहीं थी, वो किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश हुई थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो रही थी और उसने रतन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही थी, परंतु अभी भी वह अपना रूप परिवर्तित कर सकती थी। इधर रतन को जैसे ही वह मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई और महंगे भाव में बिकी, उसकी जैसे मानो लॉटरी से निकल गई हो। वो जो भी धंधा कर रहा था उसमें उसको फ़ायदा ही मिल रहा था और रतन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का कमाल है। गांव में अब हर जगह उसका नाम था। रतन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता रतन के लिए पास के ही गाँव से आया और सीमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति रतन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। रतन भी अपने पत्नी के व्यवहार से बहुत प्रभावित था। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से रतन के यहाँ एक मुंशी बन गया और रतन का विश्वास जीतने लगा। रतन भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने बड़े भाई के समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति रतन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रतन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपने पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इस दुनिया में तुम्हारी दोनों के सिवा कोई और है नहीं। और
वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बैठाकर गांव के कोने वाले एरिया में ले जाकर एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है अपनी गाड़ी और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देती गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफन कर दिया था और रतन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रतन बताता है कि जब भी वह दुखी होता है तो इस कुटिया के पास चला आता है, जहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। और आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े पत्थर से टकराती है और झटके के साथ रतन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण करता है। रतन रमेश को देख चौंक जाता है। वो नागिन बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में थी जब रतन ने उसका पूरा संसार लूट लिया था। तुम्हारी पत्नी और बच्चे को मारकर आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रतन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वह स्थिति याद आती है। क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रतन का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया। जब रतन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती उस दिन करी थी। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत तक पछतावा ही रहता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।